भोपाल के भोजपुर क्लब में क्लास 3 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 9 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे भाग ले रहे हैं। भोपाल के लगभग 50 स्कूलों से आए बच्चे इस टूर्नामेंट में अपना हुनर दिखा रहे हैं। तकरीबन 350 बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ताइक्वांडो कला एक कोरियाई मार्शल कला है। ये हथियारों के इस्तेमाल के बिना एक मार्शल आर्ट है। हम इंटर स्कूल टाइकोंडो कंपटीशन खेलने आए थे। ये बहुत बड़ा है। अच्छा, किनके बीच में खेला जा रहा है ये? बहुत सारे स्कूल के बीच में, लगभग 300 से ज्यादा बच्चे आए हैं यहाँ पे। और हमें पुमसे कराए, जैसे ग्रीन रोजे, संस्कार वैली, DPS, रेड रोज स्कूल है। अभी आपने किसी के साथ कंपटीशन किया आपने? हाँ, मैंने करा। हम इंटर स्कूल टाइकोंडो कंपटीशन खेलने आए थे। ये बहुत बड़ा है। किनके बीच में खेला जा रहा है ये? बहुत सारे स्कूल के बीच में, लगभग 300 से ज्यादा बच्चे आए हैं यहाँ पे। और हमें पुमसे कराए, जैसे ग्रीन रोजे, संस्कार वैली, DPS, रेड रोज स्कूल। अधिक जानकारी के लिए दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, ताइक्वांडो प्रतियोगिता का जिस तरह से आयोजन किया गया, क्या मुख्य उद्देश्य इसके पीछे था और क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? बिल्कुल रितु, जिस तरीके से बता दूं कि भोपाल के भोजपुर क्लब में करीब 50 स्कूलों से आए हुए 9 से 19 साल के बच्चों का ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजन रखा गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपने ताइक्वांडो खेल रहे हैं, चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। इसमें जो 9 साल से 19 साल के बच्चे हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो कि 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों ने अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाई इस पर। और शायद जिस तरह से ये कार्यक्रम रखा गया, आत्मरक्षा के लिए खुद की रक्षा कर सके, उस तरह से जिस तरह से यहाँ पे मार्शल आर्ट्स सिखाए जा रहे हैं, क्या लगता है? आप वहाँ पर पहुंचे, आपने बात की होगी वहाँ पे बच्चों से भी, और वहाँ के टीचर्स भी मौजूद होंगे, क्या इस तरह के प्रोग्राम्स आगे भी किए जाएंगे? जी बिल्कुल रितु, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो इसमें बहुत सारी बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया है। ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उन्होंने भी अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाई है। यह एक अपने जो बच्चे हैं छोटे, अपने को खुद को डिफेंस करने के लिए कैसे खुद को डिफेंस कर सकते हैं, ये सब चीजें इस ताइक्वांडो में सिखाई जाती हैं, साथ ही इन बच्चों की चैंपियनशिप दिखाई जाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्गेश उस जानकारी को साझा करने के लिए। तो ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया गया है, भोजपुर क्लब में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया। 3 से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। आत्मरक्षा के बारे में यहाँ पर सिखाया गया। अगर देखें हम तो जिस तरह से मार्शल आर्ट होता है वैसे ही ताइक्वांडो होता है, और यहाँ पर बच्चों को सिखाया गया कि किस तरह से खुद की रक्षा की जाए।